हम इस वीडियो के अंदर खतपतवार के महत्वपूर्ण पर्सन और राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान के लोक कलाकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पर्सन और हिंदी के अंदर शब्द युग्मों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में सर्वाधिक शाकनाशी किस फसल पर यूज किया जाता है? तो धान फसल पर यूज किया जाता है। फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान खतपतवारों से होता है। धूप घास, जो धूप घास है उसमें प्रवर्धन किस भाग से होता है? राइजोम से। फसलों को कितना प्रतिशत खतपतवारों से हानि होती है? 30-35%। बेसाइलिन वर्णात्मक शाकनाशी है। कंद एवं परकंद वाला जो खतपतवार है वह है मोथा, जिसमें दोनों के द्वारा ही प्रवर्धन होता है इनका। कपास खतपतवार नियंत्रण हेतु एट्राजीन का यूज किया जाता है और मक्का में सिमाजीन का। फसलों में फ्लूक्रोलिन का प्रयोग कब किया जाता है? फसलों में फ्लूक्रोलिन का यूज कब किया जाता है? बुआई या रोपाई के पूर्व। सिमाजीन का यूज करते हैं बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व। फसल की कुल उपज में कितना प्रतिशत हानि बाह्य कारकों से होती है? 65-70%। लोरेंथस खतपतवार की पत्तियां कौन से फसल की गुणवत्ता को कम करती हैं? चाय की। हिरणकुरी, जो हिरणकुरी फैमिली है उस कौन सी है? कौन बुलेसी। गेहूं का सबसे खतरनाक खतपतवार है हिरणकुरी। मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्डू बीमारी का कवक निम्न में से किस वीड्स प्रसरण लेता है? तो कांस पे। धान की चोड़ी पत्ती खतपतवार के लिए उपयुक्त खतपतवार नाशी है प्रोपोनील। धान की चोड़ी पत्ती खतपतवार के लिए उपयुक्त खतपतवार नाशी है प्रोपोनील। जंगली धान नियंत्रण हेतु बीटा क्लोर और बेंथोकार्ब। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देश की प्रथम फट चितेरी महिला है तो पार्वती देवी। बास्केटबॉल खिलाड़ी है सुरेंद्र कटारिया और तीर्थाजी में है लामा राम। सुधा कलश नामक ग्रंथ लेखक है यति दयानंद। कंद दड़े प्रबंधक ग्रंथ का रचयिता है पद्मनाभ। हमीर रसो एवं हमीर काव्य के रचयिता है सरंगदेव। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार है मल्लिका रजन मंसूर। शांता गांधी द्वारा लिया गया प्रमुख नाटके हैं जम्मा उड़न। वेली किसान रुक्मणी रचना राठौर पृथ्वीराज द्वारा। खुमान रसो ग्रंथ रचना दूलपति विजय द्वारा। राजस्थान का प्रथम लोक कलाकार जिन्होंने चित्र प्रदर्शनी आरंभ करने की परंपरा आरंभ की है राम गोपाल विजय वर्गीय। किरतार भावनो लेखक है कविका दुरसा। किरतार भावनो के लेखक है कवि दुरसा। विसल देव की वीरता एवं पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति विसल देव रसो में की थी? नरपति नल्ला। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ रचना है जया नक ने की थी। पिया बसंती एल्बम और अलबेला सज्जन घर आयो के गायक है उस्ताद सुल्तान खां। गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को। राजस्थान का प्रसिद्ध गायक है मामे खान। गायक कलाकार जगजीत सिंह का संबंध किस जिले से है? गंगानगर से। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शब्द युग्म से संबंधित हैं। दीवा सौपन
इसका अर्थ होता है हवाई किला। सैन्य धवे, सैन्य धव इनका उसका मतलब होता है घोड़ा। सा रंग का मतलब होता है धनुष, हिरण और बरमार। और परिवर्तन का अर्थ में होता है प्रेरणा, परिवर्तन का अर्थ होता है प्रेरणा। छेपक, छेपक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग। और हंस का होता है कंधा, और हंस का होता है हिस्सा। संघ का होता है संगठन, और संघ का होता है साथ। अभे का होता है निर्भय, और उभे का होता है दोनों। सूर का होता है देवता, और सूर का होता है सूर्य। हर का अर्थ होता है शिव, और चराचर का अर्थ होता है जड़ एवं चेतन सब। चीवर बोध विशु का वस्त्र। अवेदी एक अवेद की भाषा है। थैंक यू।